रूम पे आ चुके हैं और मूवी में मूवी के बारे में तो मैं आपको क्या ही कहूँ। ऐसी भी कोई मूवी बनाता है? यानी इतनी ज़बरदस्त मूवी, यानी कोई जवाब ही नहीं है ऐसी मूवी, यानी ख़तरनाक मूवी। एक सेकंड का भी आप अगर सीन मिस करने की आपको इच्छा नहीं होगी, इतनी अच्छी मूवी थी। और पर क्या लेट नाइट का शो था और हम पूरे टाइम थक गए थे, इसलिए थकान भी लग रही थी, थोड़ी थोड़ी झपकी आ रही थी, पर एक दूसरे को उठाते रह रहे थे। तो बस चिकू अभी कर रहे हैं थोड़ी एडिटिंग और मैं सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं अभी जस्ट उठी हूँ और आज हमको निकलना है पोइचा के लिए। और बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत जम गई है। तो मैं फटाक से नहा लेती हूँ, फिर चुकू को उठाती हूँ। चुकू हालांकि थोड़े बहुत उठ चुके हैं और ब्रेकफास्ट करके हम सीधा निकलेंगे पोइचा, तो जल्दी से जल्दी नहा लेती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज जीन्स और टी शर्ट पहना है और मेकअप में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगा दी है। और अभी हम चिकू के नहा के तैयार होने का वेट करते हैं। इतनी देर मैं जितना भी मेरा सारा स्टफ़ है रूम में फैला हुआ है वो सारा अवेल देती हूँ, क्योंकि हमको 9 बजे तो यहाँ से निकलना है। 8:15 हुई है तो ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे हम होटल से। तो जैसे ही चिकू आते फटाफट से इनको रेडी करवा देती हूँ। चिकू रेडी, पीछे चिकू खा रहे हैं दूध पाउडर, क्योंकि दूध पी नहीं रहे तो दूध खा ही क्यों ना ले सोच रहे। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सारी पैकिंग। और तो यहाँ पर स्किन केयर जो बाहर निकला वो यहाँ पे रख देती हूँ अंदर। और जो भी गंदे कपड़े थे वो सारे मैंने 2 थैलियाँ एक्स्ट्रा कैरी की थी तो उसके अंदर डाल के फिर अंदर सूटकेस में रखा है। और ऑलमोस्ट रूम में सारी चीज़ें एक चीज़ उठा करके कंप्लीट ले रही हूँ, क्योंकि कंप्लीट पैकिंग कर देते हैं और फिर नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, ताकि हमको ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट चेकआउट ही करना पड़े। सामान सारा पैक कर दिया है और अब हम कर रहे हैं चेकआउट, क्योंकि नाश्ता हमने सोचा क्यों ना पहले चेकआउट करके सामान वगैरह गाड़ी में पूरा कंप्लीट लोड कर देते हैं, फिर ओनली फॉर ब्रेकफास्ट करके सीधा गाड़ी में जाके बैठना ही रहेगा। तो ये सब सिस्टम बैठा है। तो अभी चिकू इनके सारे ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक तूफ़ान लेके आए, साथ में टैग तूफ़ान लेके आए हैं, वो सारा अवेल रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं याची भाभी और इनके रूम में, क्योंकि वो जस्ट हमसे नीचे ही है एक फ्लोर। सो वहाँ पर जाते हैं, हिमायरा के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। अपन को तो हिमालू कंजू तैयार हो गई है। तू वाइट ढोकला खाएंगे, मिक्स पराठा भी खा सकते हैं, रतलामी पोहा खाएंगे। हमारा ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अच्छा हेवी, ताकि पहुँचते पहुँचते लंच ना भी मिले तो चल जाएगा। चेकआउट टाइम, चेकआउट टाइम। इट्स टाइम टू चेकआउट, चेकआउट। अभी हम निकल रहे हैं पोइचा के लिए। तो पोइचा जाने में हमको लगभग 2 घंटे तो लगने ही वाले, 2 से ढाई घंटे। और यहाँ पर गाड़ी की थोड़ी बहुत हो रही है क्लीनिंग। और अब बड़ोदरा को करते हैं एग्जिट। हम अभी पोइचा अराइव हो चुके हैं और अब अंदर जाएंगे, पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कोई बात नहीं, पर गर्मी से सर्वाइव करते हुए निकल जाएंगे। पोइचा मंदिर में हम आ चुके हैं, अब घूमने के लिए अंदर जा रहे हैं, दर्शन भी करने। और यहाँ पर सब इतना जोरदार बना हुआ है, एक एक बर्ड, सारी मूर्तियाँ। अंदर जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ। आयशा हैंडो पकड़ लो। ओ जे जे कर रही है। हाय फ्रेंड्स, हम एंजॉय कर रहे हैं, वो भी धूप में, पर मज़ा आ रहा है। तो अभी हम आ गए हैं पोइचा। आप देख सकते हो पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। सब जगह पे पास में जाके आपको दिखाएंगे, पर आप एक बार दूर से चीज देख लो। और मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है। यहाँ पर सारे कृष्ण भगवान की रासलीला के अलग 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 स्टैचू बने हुए हैं और इतने यानी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। और ग्रीनरी के साथ तो यानी जो गर्मी लग रही है वो भी भूल गए, जो ग्रीनरी देख रहे हैं उसको देखते हुए। और भी शिव जी, नीलकंठ भगवान की और उधर ब्रह्मा जी की अलग अलग लीलाएँ बता रखी है। आगे आ जाइए, और अच्छा अच्छा दिखाता है। आगे आगे बहुत ही बड़ी शिव जी की प्रतिमा है। यहाँ पर हम आए शो देखने के लिए, पर अब हमको भी नहीं पता क्या शो है। अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं तो पता चलेगा। अब बहुत ज़्यादा गर्मी से बेहाल हो रहा है, अंदर जाके बाकी बातें। जैसा स्ट्रेट से ऊपर चढ़े, फिर ऊपर आगे हमने आइसक्रीम ली है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। ओ वाह, बेटो धीरे, हिम्मे धीरे, हिम्मे धीरे। બેટો ઘણો જ આવ્યો હે ભાભી, એ સેલ્ફી करना पड़ेगा। છે ત્યાં ત્યાંથી જાવું ત્યાંથી એસી હે હા Believing without saying why but I wonder still wonder cuz I too got over it but I really want to know if you even call me बहुत अच्छा फ्लावर दिख गया यहाँ पे मैंने लगा दिया थोड़ी खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी इंतजार था अब जा रहे हैं अंदर अंदर तो ठंडा ही होगा क्योंकि अंदर पूरा पानी के अंदर नाव जाने वाली आई आपको दिखाते हैं आइए आपको दिखाते हैं मजा है। वाव मैं पर आज के दिन में सब मजा कर लिए झूले में बैठ गए आज चलो पर पानी के अंदर ये सही है कुछ नहीं है हाँ। मिला 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 सब्सक्राइब टू रोमानी पेश व्लॉग तो अभी हम यहाँ पोइछा दर्शन करके निकल गए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो फटाफट मंदिर से कर लिए दर्शन और अब चल रहे सीधे ऋषभदेव के लिए। कहीं हम थोड़ा बहुत छुट मुट खाना खाने के लिए रुकेंगे और फिर लास्ट रात को डिनर करके ऋषभदेव। अभी आ गए हम लुनावाड़ा में रजवाड़ी चाय पे। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया है, एक ब्रेक और लिया था वो पास ही में लिया था और एक ब्रेक अभी यहाँ लिया है। तो एक छोटी 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 चाय पी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हमारा डिनर ब्रेक हो चुका है और डिनर ब्रेक में हम आए हैं जगत निवास में खाना खाने के लिए, जो कि हम बीच में आए थे थोड़े टाइम पहले पूरी फैमिली। बहुत मज़ा आ गया था और यहाँ का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगा सबको। तो अभी चलते हैं अंदर और कब उधर साइड बैठे या फिर इधर साइड बैठे। गर्मी का कोई उपाय पंखा है तो ठंडा ही है डिनर हो गया है और अब ड्रेसअप भी चेंज कर लिया है हमने। अब सीधा चलते हैं ऋषभदेव। बहुत ही ज़्यादा थक भी चुके हैं और बट अभी टाइम हो रहा है। फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, घड़ी स्विच ऑफ हो गई, 11:24 हो रही है। अभी जस्ट आए हैं ऋषभदेव और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और ट्रैवल व्लॉग हुए आज ख़त्म। और आज तक का आपको ट्रैवल कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि हमको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाना था पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से नहीं जा पाए। पर उल्टा हमने पोइछा अटेंड कर लिया और पोइछा में भी अच्छा खासा मज़ा आया। बस गर्मी ने थोड़ी मात दे दी और अब थक गए, करते हैं रेस्ट। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।